आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि वो भेज रहे हैं ये पैसे धान खरीदने के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, जहां से मोदी जी खुद सांसद है, वहां पे धान आज 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में आज 2400 रुपए मिलते हैं आपको धान के लिए। आप केंद्र सरकार को देखिए, भाजपा की जो मोदी सरकार है, मोदी जी के लिए 8000 करोड़ रुपए का एक जहाज खरीदा। उस जहाज का क्या इस्तेमाल होता है? मोदी जी घूमने जाते हैं विदेश में। एक जहाज खरीदा, एक और खरीद लिया। 16000 करोड़ रुपए के दो हवाई जहाज सिर्फ मोदी जी के घूमने के लिए खरीदे गए। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक बहुत सुंदर संसद भवन है जो 70 सालों से चल रहा है। हो सकता है उसमें कुछ मरम्मत की जरूरत होगी, लेकिन मोदी जी ने कहा कुछ सालों पहले कि हम इसको पूरा हम नया बनाएंगे। हम दिल्ली के सुंदरीकरण को के लिए और संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए हम 20000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। किसका पैसा बताइए, किसका पैसा है? जोर से बोलो, आपका पैसा। 20000 करोड़ खर्च रहे हैं संसद भवन के लिए। अभी अभी उद्घाटन हुआ कुछ महीनों पहले। जब उन्होंने ये घोषणा की, उस समय मैं उत्तर प्रदेश में काम करती थी। उस समय गन्ने के किसानों का जो बकाया था वो 15000 करोड़ रुपए था। किसान सब सड़क पे थे, गन्ने के किसान बकाया मांग रहे थे, बाकी किसान कह रहे थे कि हमें ये काले किसान के कानून नहीं चाहिए। उसी समय जब इनका बकाया 15000 करोड़ रुपए था, आपने घोषणा की कि 20000 करोड़ रुपए हम संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए कर रहे हैं, दे रहे हैं। और आपने उसी समय कहा कि 15000 करोड़ के बकाए को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो किसान के लिए पैसे नहीं है, लेकिन संसद को सुंदर बनाना है, अपना मान सम्मान बनाना है, अपने लिए हवाई जहाज खरीदने हैं, इसके लिए पैसा है। इसी तरह से जब किसानों के कर्ज को माफ करने की बात हुई, आपको याद होगा जब यहां पे कांग्रेस की सरकार बनी, आपको वादा किया था किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। जैसे 24 घंटे नहीं हुए थे, 24 घंटे नहीं हुए थे कि बघेल जी और राहुल जी की बात हुई, और पहली जो मीटिंग थी मंत्रिमंडल की, पहली सभा में यह तय किया गया कि आज से हम किसानों के कर्ज माफ करना शुरू करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपने खुद देखा, आप में से कई किसान भी होंगे जिनके कर्ज माफ हुए, तो आपने खुद देखा कि यह काम हुआ। भाजपा के लोग क्या कहते हैं? इसके लिए पैसे नहीं है। ये कहकर कि किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, उसी समय बड़े बड़े उद्योगपति अडानी जी, अंबानी जी के हजारों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनके पेट भरे हैं, जिनके जीवन अच्छे चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े महल हैं। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये पैसे किसके हैं। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जाते हैं, किसको पैसों से माफ किए जा रहे हैं? किसके पैसों से बताइए, किसके पैसे हैं? आपके पैसे हैं। आज वो कंपनियां कहां हैं? वो तो देश की अमानत थी, देश की संपत्ति थी, आपकी थी वो भी, आज कहां है? सब प्राइवेट कर दी गई हैं। और किसको दी गई हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कौड़ियों के दाम में बेची गई हैं। ज्यादातर अडानी जी को दी गई हैं। जितने भी बंदरगाह हैं, जितने हवाई अड्डे हैं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ज्यादातर इन लोगों को सरकार ने दे दी। तो ये सरकार आपसे पैसे छीनती है, आपकी संपत्ति का इस्तेमाल करती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देती है। आपको मजबूत करने के लिए आपके लिए मोबाइल अस्पताल भी बनाए, जिससे एक करोड़ लोगों का लाभ हुआ। आपको लाखों एकड़ वन की भूमि पट्टों के माध्यम से मिली, इससे आप मजबूत हुए। तो ये सारे काम
महात्मा गांधी जी की परंपरा उनकी सोच को आगे लेने वाले काम है, जिसमें एक सरकार, एक नेता, एक राजनीतिक पार्टी ये समझ रही है कि जनता ही सर्वोपरि है। भाजपा की सरकारें क्या कर रही हैं? चुनाव आने लगता है तब घोषणाएं करते हैं। मध्य प्रदेश में गई, 18 सालों से सरकार है बहनों, भाजपा की 18 सालों से वहां सरकार है, 18 सालों से महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, 2 महीने पहले घोषणा कर दी कि आपके खातों में हम पैसे डालेंगे हर महीने। तो भाई क्या पहले महिलाएं गरीब नहीं थी? क्या पहले मुश्किलों में नहीं थी? क्या पहले संकटों का सामना नहीं कर रही थी? तो आपने इतने साल 18 साल इंतजार क्यों किया? कुछ दिनों पहले मेरे भाई को ले गए थे खेतों में धान की कटाई के लिए, देखा आपने वीडियो, भैया सीख रहे थे। कौन सिखा रहा था? बघेल जी दिखा रहे थे, बघेल जी दिखा रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं वो किसान के बेटे हैं। भाजपा की सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रही हैं और उन्हीं के लिए चल रही हैं। जैसे मैंने कहा, आपकी संपत्ति उनको दी जा रही है। अडानी जी एक दिन में, सुन लीजिए बहनों, एक दिन में एक आदमी अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं एक दिन में, और देश का किसान आज 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में। आप भूखे हैं, आपको कमाने में मुश्किल, और आपके पैसे, आपकी संपत्ति उनको दी जा रही है जो 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये है इनकी नीति। आपसे कहा था करोड़ों रोजगार हर साल दिलवाएंगे, 10 साल हो गए इनकी सरकार है, रोजगार दिलवाए किसानों को मजबूत की, कहा था किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, की रो रहा है देश का किसान। कहा था नौजवानों के लिए नई नई स्कीम निकालेंगे, अच्छे अच्छे रोजगार बनाएंगे, जो थे उनको भी बिगाड़ दिया, जहां से रोजगार मिलता था उसको खत्म कर दिया। छोटे बिजनेस, छोटे उद्योग, छोटे छोटे उद्योगपति जो इस देश के इंजन थे, जिससे रोजगार मिलता था दुकानों में, छोटे छोटे उद्योगों में, उनको आपने नोटबंदी करके, GST करके, तमाम गलत नीतियां डाल के खत्म कर दिया। नौजवान ये आशा रखता था कि देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जाएगा, जवान बनेगा सेना में, आज उसकी सारी आशाएं टूट गई हैं। अग्निवीर जैसी स्कीम आ गई, 4 साल जाइए सेना में फिर घर लौट आइए बेरोजगार। तो जो था उसको बिगाड़ा, उसको गाली दे दे के, बुरा कह कह के, ये कह कह के कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको बिगाड़ दिया। जो बनाया था सबने मेहनत से, इस देश की जनता ने अपनी मेहनत से, जो अच्छा था वो या तो उन्होंने बिगाड़ दिया या अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिया। कुछ नया बनाया उनकी सरकार है, साथ में मध्य प्रदेश में मैंने पूछा, इंदौर गई थी, कितने यूनिवर्सिटी बनाई है भाई, कितने स्कूल खोले हैं? 7000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए, नए विश्वविद्यालय बनाए नहीं। मैंने कहा चलो कोई नया उद्योग बना दिया होगा, वो भी नहीं। तो क्या किया है सिवाय बोलने का, सिवाय घोषणाएं करने का, सिवाय बड़े बड़े भाषणों में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें, बड़ी पब्लिसिटी इवेंट जहां सारी दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसके सिवाय किया क्या है? देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।